हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई विल रिवाइज चैप्टर वन, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इन इंग्लिश ट्यूटर. सो लेट्स बी स्टार्ट डियर स्टूडेंट. क्लास इज फर्स्ट. आवर चैप्टर नेम इज प्रेयर, प्रार्थना. PRAYER, प्रेयर. प्रेयर मीन्स प्रार्थना. लेसन वन, हेडिंग इज वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ. फर्स्ट इज प्रेयर, PRAYER, प्रेयर. प्रेयर मीन्स शब्द अर्थ. फर्स्ट इज प्रेयर, PRAYER, प्रेयर. प्रेयर मीन्स प्रार्थना. प्रार्थना. प्रेयर मीन्स प्रार्थना. नेक्स्ट इज सी. सी मीन्स देखना. SEE. सी मीन्स देखना. देखना. सी मीन्स देखना. नेक्स्ट इज ब्लेस, BLESS. ब्लेसिंग. ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना. आशीर्वाद देना. ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना. नेक्स्ट इज बटरफ्लाई, BUTTERFLY. बटरफ्लाई. बटरफ्लाई मीन्स तितली. बटरफ्लाई मीन्स तितली. नेक्स्ट इज क्रिएचर, CREATURE. क्रिएचर. क्रिएचर मीन्स जीव. क्रिएचर जीव. नेक्स्ट इज गॉड, ZOD. गॉड. गॉड मीन्स भगवान. गॉड मीन्स भगवान. नेक्स्ट इज अराउंड, AROUND. अराउंड. अराउंड मीन्स चारों ओर. अराउंड मीन्स चारों ओर. आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट, प्रेयर प्रार्थना. प्रेयर मीन्स प्रार्थना. सी देखना. सी मीन्स देखना. ब्लेस आशीर्वाद देना. ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना. बटरफ्लाई तितली. बटरफ्लाई मीन्स तितली. क्रिएचर जीव. क्रिएचर मीन्स जीव. गॉड भगवान. गॉड मीन्स भगवान. अराउंड चारों ओर. अराउंड मीन्स चारों ओर. नाउ वी रिवाइज क्वेश्चन आंसर इन चैप्टर वन. लेसन वन, हेडिंग इज क्वेश्चन आंसर. और चैप्टर नेम इज प्रेयर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हू सीज द ट्री. हू सीज द ट्री. ट्री को कौन देख रहा है? द बॉय सीज द ट्री. द बॉय. क्वेश्चन में से सीज द ट्री. द बॉय सीज द ट्री. क्या कौन देख रहा था पेड़ को बेटा? लड़का. नेक्स्ट इज हू ब्लेसिज ऑल. सभी को आशीर्वाद कौन देता है? कौन दे रहा है? द गॉड ब्लेसिज ऑल. या तो आप बेटा आंसर ओनली द बॉय, द गॉड भी याद कर सकते हैं, और पूरा याद कर सकते हैं तो पूरा भी याद कर सकते हैं. ओके. द गॉड ब्लेसिज ऑल. Who blesses all? The God blesses all. Next is name all the creatures seen by the boy. सभी जीव जंतुओं के नाम जिस जो लड़के द्वारा देखे गए थे. Bird and butterfly. Bird and butterfly. Next is whom does the boy see at the end? End में लड़के ने क्या देखा? लास्ट में लड़के ने क्या देखा? बटरफ्लाई. क्या देखा बेटा? बटरफ्लाई. BUTTERFLY. बटरफ्लाई. ओके. नेक्स्ट इज डज द बटरफ्लाई सी द बॉय. डज द बटरफ्लाई सी द बॉय. तितली ने लड़के को देखा? यस. बटरफ्लाई द बटरफ्लाई सीज द बॉय. यस. आंसर इज यस. ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इज कम्प्लीट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स. इनको आप साथ साथ रिवाइज करें जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको इससे हेल्प मिले. ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई विल डू सम एक्सरसाइज इन चैप्टर फोर. सो लेट्स बी स्टार्ट डियर स्टूडेंट. क्लास इज फर्स्ट. सब्जेक्ट इज साइंस. और चैप्टर नेम इज फूड फ्रॉम प्लांट्स. पौधों से भोजन. राइट एफ फॉर फ्रूट, वी फॉर वेजिटेबल, सी फॉर सीरियल एंड पी फॉर पल्सेस. फर्स्ट है आपका, जहाँ बेटा फ्रूट होंगे वहाँ एफ राइट डाउन करना है. वी वेजिटेबल होगा वहाँ वी, सीरियल्स होंगे वहाँ सी एंड पल्सेस होगी वहाँ पी. फर्स्ट इज पिक्चर इज रेडिस. सो रेडिस इज अ वेजिटेबल. वी ऑरेंज फ्रूट. कॉर्न पल्सेस नहीं, ग्राम पल्सेस. कॉर्न सीरियल्स. अनियन वेजिटेबल.
वी एप्पल फ्रूट राइस सीरियल एंड दाल इज पल्सेस बी. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज ब्लैंक इज ए वेजिटेबल. वेजिटेबल चेरी और कैबेज में वेजिटेबल क्या है? कैबेज. नेक्स्ट इज वीट एंड राइस और ब्लैंक. वीट एंड राइस क्या है? सीरियल है, पल्सेस हैं. क्या है? सीरियल्स. सो राइट डाउन सीरियल्स. वीट एंड राइस आर सीरियल्स. नेक्स्ट इज व्हेन व्हेन वी ईट स्पिंच वी आर ईटिंग. जब हम स्पिंच पालक खाते हैं तो हम उसके किस पार्ट को खाते हैं? सीड्स को खाते हैं उसको, या लीव्स को खाते हैं उसकी? किसको खाते हैं बेटा? लीव्स. सो वी व्हेन वी ईट स्पिंच वी आर ईटिंग लीव्स. नेक्स्ट इज किडनी बीन्स एंड दाल्स आर ब्लैंक. किडनी बीन्स और दाल क्या है? किडनी बीन्स एंड दाल्स आर सीरियल्स या पल्सेस. किडनी बीन्स और दाल क्या होती है बेटा? पल्सेस. सो राइट डाउन पल्सेस. किडनी बीन्स एंड दाल्स आर पल्सेस. नेक्स्ट इज ब्लैंक कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड. हम इन दोनों में से किसे कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं? कैरेट. ओके, ब्रिंजल को हम कच्चा नहीं खा सकते, सिर्फ पका कर सब्जी के थ्रू खा सकते हैं. सो कैरेट को हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर सब्जी हलवा कुछ भी बनाकर उसका खा सकते हैं. सो राइट डाउन कैरेट. कैरेट कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू मीन्स सत्य और फॉल्स मीन्स असत्य. कोई चीज़ अगर राइट होगी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टी, गलत के लिए यूज़ करेंगे एफ. फर्स्ट इज वीट एंड राइस आर सीरियल्स. यस दिस इज राइट. सो राइट डाउन टी. नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स सच एज ओनियन एंड कैरेट कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड. सब्जियों में प्याज और गाजर को हम कच्चा खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं. या दिस इज राइट. सो राइट डाउन टी. नेक्स्ट इज वी गेट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स. बोल रहे हैं कि हम पौधों से भोजन और फल प्राप्त कर सकते हैं. हमें सिर्फ फल और सब्जियां ही प्राप्त होती है पौधों से. नो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हमें पौधों से सीरियल और पल्सेस भी प्राप्त होती है. सो राइट डाउन फॉल्स. नेक्स्ट इज मैंगोज एंड गवावाज आर वेजिटेबल्स. मैंगो और गवावा आम अमरूद हमारे क्या है बता रहा है अभी कि सब्जियां हैं. नो दिस इज रॉन्ग. सो राइट डाउन फॉल्स. दिस इज ए फ्रूट्स. ओके, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ब्लैंक. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. हम पौधे के विभिन्न भागों को खा सकते हैं. या दिस इज राइट. सो राइट डाउन टी. ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोविंग. स्पिंच एंड लेट्यूस इज लीव्स. ओके, नेक्स्ट इज कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली इज ए फ्लावर. सो मैच द फ्लावर. वीट एंड राइस इज सीरियल्स. किडनी बीन्स एंड दाल इज पल्सेस. कैरेट एंड रेडिश इज रूट्स. ओके, नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग. टू वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन रो और कुक्ड. दो सब्जियां जो कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से खाई जा सकती है, ऑनियन एंड कैरेट. नेक्स्ट इज थ्री सीरियल्स. अनाज थ्री, तीन वीट राइस कॉर्न. टू पल्सेस दालें दाल ग्राम. थ्री फ्रूट्स, फ्रूट्स एप्पल बनाना एंड मैंगो. नेक्स्ट टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज विच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट डू वी ईट. हम पौधे के कौन से पार्ट को खा सकते हैं? लीफ, सीड, फ्लावर, ऑल ऑफ दीज. यस राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. हम पौधे के लीफ को भी, सीड और फ्लावर को अलग अलग तरीके से अलग रूप में खा सकते हैं. नेक्स्ट दिस इज नॉट ए फ्रूट. इसमें फ्रूट क्या नहीं है? चेरी, वाटरमेलन, वीट एंड पीच में से वीट, क्योंकि वीट इज ए सीरियल. सो टेक द वीट. नेक्स्ट इज दिस इज नॉट ए सीरियल. इनमें से कौन सा सीरियल अनाज नहीं है? मैजे, किडनी बीन्स, राइस, वीट. राइट आंसर इज किडनी बीन्स इज नॉट ए सीरियल. नेक्स्ट इज व्हेन वी ईट कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली वी
वी आर ईटिंग, हम जब कॉलीफ्लावर ब्रोकली खाते हैं तो उसको किस पार्ट को खाते हैं? लीव्स, सीड्स, फ्लावर या स्टेम्स? राइट आंसर इज फ्लावर्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर ऑल एक्सरसाइज इज कम्प्लीट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ सभी एक्सरसाइज साथ साथ वीडियो के साथ रिवाइज करें. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू MLP यूट्यूब चैनल. आई सीमा फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो वी डिड कम्प्लीटेड रिविजन ऑफ चैप्टर 1 and now today we will start our next chapter number 2, a properties of number 1 to 10. okay beta, aaj hum apna next chapter ka revision start kar rahe hain. hamara next chapter hai properties of number 1 to 10, chapter number 2 hai. isme hamara first topic hai just before, just after and in between. before means beta kya hota hai? pehle. before means pehle. आफ्टर मीन्स बाद में. एंड बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में. देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, ये हमारे पास माउस है, ये कैट है और ये डॉग है. इस पिक्चर में क्या है कि माउस इज जस्ट बिफोर द कैट. जो ये माउस है वो कैट से जस्ट पहले है और जो ये कैट है वो डॉग से जस्ट पहले है. कैट, देखो माउस जो है वो कैट से पहले है और कैट किससे पहले है? डॉग से. तो ये कौन सा हो गया हमारा? बिफोर. अब जो ये कैट है ये किसके बाद में है? कैट इज जस्ट आफ्टर माउस. कैट किसके बाद में है? माउस के बाद में. एंड डॉग इज जस्ट आफ्टर कैट. ओके, और जो कैट है वो डॉग और माउस की क्या है? बिटवीन है, बीच में. ओके, ऐसे ही बेटा नंबर्स में होता है. सिमिलरली इन नंबर्स की, फॉर एग्जाम्पल 3 कम्स जस्ट बिफोर 4, कि 3 जो है वो 4 से पहले, 3 कम जस्ट बिफोर 4, 3 है वो 4 से पहले आता है. एंड 3 के बाद में क्या आता है? 4. एंड 5 कम्स आफ्टर 4, 5 किसके बाद में आता है बेटा? 4 के बाद में. तो 4 कम्स इन बिटवीन 3 एंड 5. 3 है वो 4 से पहले आता है, 5 क्या है? 4 के बाद में आता है. 4 क्या है? 3 एंड 5 के बीच में आता है. ओके, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें बेटा. एक्सरसाइज नंबर है हमारी 2.1, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स फिल करने थे कि 6 कम्स जस्ट आफ्टर, 6 कम्स जस्ट आफ्टर, 6 किसके तुरंत बाद में आता है बेटा? 5 के बाद में. ओके, 6 किसके बाद में आता है? 5 के बाद में. अब है 3 कम्स जस्ट आफ्टर 2, 3 किसके बाद में आता है? 2 के बाद में. एंड 9 कम जस्ट आफ्टर 8, 9 किसके बाद में आता है? 8 के बाद में. 3 कम्स इन बिटवीन 2 एंड 3, किस किसके बीच में आएगा? 2 एंड 4 के बीच में. ओके, एंड 8 कम्स इन बिटवीन 8, किस किसके बीच में आएगा बेटा? 7 एंड 9 के बीच में. 1 कम जस्ट बिफोर 1, किस से पहले आता है? 2 से पहले. एंड 7 कम जस्ट बिफोर 8, 7 किस से पहले आता है? 8 से पहले. ऐसे ही 2 कम जस्ट बिफोर 3, 2 किससे पहले आता है बेटा? 3 से पहले. ओके, अब राइट द नंबर विच कम्स इन बिटवीन, इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो आपको राइट करना है. तो 1 एंड 4 के बीच में क्या आएंगे हमारे? 2 एंड 3. ओके, अब 5 और 9 के बीच में क्या आएगा बेटा? 6 7 8. 5 और 9 के बीच में क्या आएगा हमारा? 6 7 8. एंड 3 और 8 के बीच में 4 5 6 7. तो बेटा अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर और इन बिटवीन के. ओके, सो बेटा जस्ट बिफोर क्वेश्चन करेंगे हम. जस्ट बिफोर, JUST, जस्ट बिफोर, आफ्टर, जस्ट आफ्टर, एंड इन बिटवीन. ओके, बिफोर मीन्स मैंने अभी बताया था आपको पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, एंड इन बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में. ओके, सो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 के बाद में क्या आता है हमारा? 5 के जस्ट आफ्टर क्या आएगा बेटा? 6. ओके, 5 के जस्ट आफ्टर क्या आता है? 6.
ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन, नाइन के जस्ट आफ्टर क्या आएगा बेटा हमारा टेन, नाइन के आफ्टर क्या आएगा टेन। ओके अब है फोर, फोर से पहले क्या आता है बेटा हमारा थ्री, फोर से पहले क्या आता है थ्री, फोर से पहले हमारा क्या आता है थ्री, एट से पहले क्या आता है बेटा सेवन, एट से पहले क्या आएगा सेवन, सेवन इज जस्ट बिफोर एट। ओके एंड वन एंड टू के, वन एंड थ्री के बीच में हमारा क्या आएगा बेटा टू, वन एंड थ्री के बीच में क्या आएगा टू। ओके एंड फोर और सिक्स के बीच में हमारा क्या आएगा बेटा, फोर के बाद क्या आएगा जस्ट आफ्टर फाइव, फोर और सिक्स के बाद में क्या आएगा फाइव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, एट के जस्ट आफ्टर क्या आएगा बेटा हमारा नाइन, एट के जस्ट आफ्टर क्या आएगा हमारा नाइन, और थ्री से जस्ट बिफोर क्या कौन सा नंबर आता है टू नंबर, थ्री से जस्ट बिफोर टू नंबर एंड सेवन और नाइन के बीच में कौन सा नंबर आएगा बेटा हमारा एट, कौन सा नंबर आएगा एट। ओके सेवन और नाइन के बीच में कौन सा नंबर आएगा एट, फोर सेवन के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आएगा एट, सेवन के जस्ट आफ्टर एट। ओके सो अभी बेटा हमने जो क्वेश्चन किया है ये कौन से है बिफोर नंबर आफ्टर नंबर और इन बिटवीन। ओके अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर, ये नंबरों की हमें तुलना करनी है। तो बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास सिक्स रैबिट्स हैं और यहाँ पे फाइव रैबिट हैं। ओके सिंस सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव, जो सिक्स है वो फाइव से क्या है बड़ा है। तो देखो बेटा जो हमारा ग्रेटर देन और लेस देन होते हैं क्या होता है इसमें कि इसमें ग्रेटर, ये हमारा जो ये वाला साइन है ये कौन सा साइन है ग्रेटर देन, ये हमारा कौन सा साइन है बेटा लेस देन, और ये हमारा कौन सा साइन है इक्वल टू। ओके ये नोट जिस साइड से खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा और जिस साइड से बंद रहेगा वो डिजिट छोटी रहेगी। ओके सो देखिए बेटा फोर इज ग्रेटर देन टू, कि यहाँ पे फोर टमाटो और यहाँ पे टू टमाटो, तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि फोर इज ग्रेटर देन टू। ओके और लेस देन में देखो कि यहाँ पे कितने ब्रिंजल है फाइव ब्रिंजल है और इधर सिक्स ब्रिंजल है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे फाइव इज लेस देन सिक्स। और इक्वल टू में क्या होगा कि दोनों डिजिट इक्वल होगी, देखो सेवन इज यहाँ पे सेवन कैरेट्स है और यहाँ पे भी सेवन कैरेट्स है, तो क्या आएगा सेवन इज इक्वल टू सेवन। ओके अब हमारी एक्सरसाइज है 2.2, अब हमें इस पे क्या करना है लेस कार पे टिक करना है। तो देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इधर सेवन कार है और इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इधर नाइन कार है तो हमें लेस कार पे टिक लगाना था, तो ये हमारे लेस है। ओके अब इसमें क्या करना है जिस साइड से बलून ज्यादा है उस पे आपको कलर करना था, तो यहाँ पे देखो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे बलून कम हो इधर ज्यादा है, तो इस पे आपको बलून पे कलर करना था। ओके अब है कंपेयर एंड पुट द साइन ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू। ओके तो देखो बेटा यहाँ पे फोर बुक्स है और इधर सिक्स बुक है, तो फोर इज लेस देन सिक्स एंड टू इज टू और टू है दोनों, तो टू और टू क्या होंगे इक्वल। अब ये देखो इधर नाइन टेन फ्लाइज है और इधर एट फ्लाइज है, तो टेन क्या एट से बड़ा है। ओके अब काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इनको काउंट करना है और राइट करना है और फिर साइन यूज करना है। तो देखो बेटा वन टू थ्री फोर फाइव, इधर फाइव पेंस और इधर वन टू थ्री फोर पेंस है, तो फाइव क्या है फोर से बड़ा है ग्रेटर देन। ओके अभी देखो इधर वन टू थ्री आंट है और इधर वन टू थ्री, तो थ्री और थ्री क्या है बेटा इक्वल है हमारे। ओके और अब देखो इधर वन टू, इधर टू आइसक्रीम है और इधर वन टू थ्री फोर आइसक्रीम, तो टू क्या है टू इज लेस देन फोर। ओके
सो बेटा अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 और 8। तो 9 और 8 है इसमें हमारा क्या है कि 9 क्या है वो 8 से बड़ा है, तो कौन सा साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन, 9 इज ग्रेटर देन 8। ओके अब है 2 और 4, तो 2 देखो 2 क्या है 4 से छोटा है, तो क्या आएगा 2 इज लेस देन 4। अभी 7 है इधर 10 है, तो 7 क्या है 10 से छोटा है, तो 7 इज लेस देन 10। ओके अब देखो फोर्थ नंबर पे हमें 5, दोनों डिजिट क्या है, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 है, और दोनों डिजिट क्या है बेटा एक दूसरे के इक्वल है, तो कौन सा साइन करेंगे हम, इक्वल टू को। ओके अब नेक्स्ट है इधर 8 और 5, 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो 8 इज ग्रेटर देन 5, कौन सा साइन यूज करेंगे हम, ग्रेटर देन का। अब इधर 6 है और इधर 3 है, तो 6 क्या है 3 से बड़ा है, तो 6 इज ग्रेटर देन 3। अब है 2 और 2 क्या है देख दूसरे के इक्वल। ओके सो बेटा और आज हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, सो आगे हम कल करेंगे। ओके सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनू मैम योर एसएस टीचर फ्रॉम फर्स्ट क्लास। टुडे आई टीच चैप्टर नंबर 8 वर्ड मीनिंग, WORD वर्ड, MEANING मीनिंग, वर्ड मीनिंग मीन्स शब्दार्थ। नंबर फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म मीन्स UNIFORM, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी, यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी, यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी, UNIFORM, यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी। नंबर सेकेंड है थिंग्स, THINGS, थिंग्स, थिंग्स मीन्स चीजें, थिंग्स मीन्स चीजें, थिंग्स मीन्स चीजें, THINGS, थिंग्स, थिंग्स मीन्स चीजें, थिंग्स मीन्स चीजें। अब है नंबर 3, नंबर 3 पे है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, PRINCIPAL, प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य। नंबर 4 पे है प्लेसेस, PLACES, प्लेसेस, प्लेसेस मीन्स, प्लेस मीन्स जगह, प्लेस मीन्स जगह, PLACES, प्लेस मीन्स जगह, प्लेस मीन्स जगह। अब है नंबर 5, स्टाफ रूम, STAFF, स्टाफ, ROOM, रूम, स्टाफ रूम, स्टाफ रूम मीन्स स्टाफ कक्ष, स्टाफ कक्ष, स्टाफ कक्ष, STAFF, स्टाफ, ROOM, रूम, स्टाफ रूम मीन्स स्टाफ कक्ष, स्टाफ कक्ष। अब है नंबर 6, नंबर 6 पे है स्टडी, STUDY, स्टडी मीन्स अध्ययन, स्टडी मीन्स अध्ययन, स्टडी मीन्स अध्ययन, स्टडी मीन्स अध्ययन, STUDY, स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन, स्टडी मीन्स अध्ययन। नंबर 7 पे है स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल मीन्स विशेष, स्पेशल मीन्स विशेष, स्पेशल मीन्स विशेष, SPECIAL, स्पेशल मीन्स विशेष, विशेष, विशेष। अब है नंबर 8, नंबर 8 पे है क्लीन, CLEAN, क्लीन मीन्स स्वच्छ, क्लीन मीन्स स्वच्छ, क्लीन मीन्स CLEAN, क्लीन मीन्स स्वच्छ। आई विल बी रिपीट अगेन, नंबर फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी, यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी,
नंबर सेकंड है थिंग्स, THINGS, थिंग्स, थिंग्स मीन्स चीजें, थिंग्स मीन्स चीजें। नंबर थर्ड है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य। नंबर फोर है प्लेस, नंबर फोर्थ है प्लेस, PLACE, प्लेस, प्लेस मीन्स जगह, प्लेस मीन्स जगह। नंबर फाइव है स्टाफ रूम, STAFFROOM, रूम, स्टाफ रूम, स्टाफ रूम मीन्स स्टाफ कक्ष, स्टाफ रूम मीन्स स्टाफ कक्ष। नंबर सिक्स है स्टडी, STUDY, स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन, स्टडी मीन्स अध्ययन। नंबर फोर है स्पेशल, SPECIAL, SPECIAL, स्पेशल, स्पेशल मीन्स विशेष, स्पेशल मीन्स विशेष। नंबर एट है क्लीन, CLEAN, क्लीन, CLEAN, क्लीन, क्लीन मीन्स स्वच्छ, क्लीन मीन्स स्वच्छ। लेट वी स्टार्ट टिक ऑप्शन, चैप्टर नंबर एट, टिक ऑप्शन। नंबर फर्स्ट है वी स्टडी, WEVSTUDY स्टडी, INN, THE, डैश, ROOM, रूम, WEVSTUDY स्टडी, INN, THE, डैश, ROOM, रूम। वी स्टडी इन द डैश रूम, कि हम कौन से रूम में पढ़ाई करते हैं। आंसर इज क्लासरूम, CLASS, CLASS, क्लास। कहाँ पढ़ाई करते हैं, क्लास, क्लास मीन्स कक्षा। WEVSTUDY स्टडी, INN, THE, डैश, ROOM, रूम। वी स्टडी इन द डैश रूम, कि हम कौन से रूम में पढ़ाई करते हैं, क्लासरूम, CLASS, क्लास, क्लास मीन्स कक्षा, क्लास मीन्स कक्षा। नंबर सेकंड इज वी कैन, WEVCAN, कैन, FINDE, फाइंड, MANY, मैनी, BOOKS, बुक्स, INN, THE, डैश, WEVCAN, कैन, FINDE, फाइंड, MANY, मैनी, BOOKS, बुक्स, INN, THE, डैश। वी कैन फाइंड मैनी बुक्स इन द डैश, कि हम बहुत सारी किताबें कहाँ मिलती है हमें, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। करेक्ट आंसर इज लाइब्रेरी, LIBRARY, LIBRARY, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। वी कैन फाइंड मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। आई विल बी रिपीट अगेन, कुछ फर्स्ट नंबर पे है वी स्टडी इन द डैश रूम, कि हम कौन से रूम में पढ़ाई करते हैं, क्लास, CLASS, क्लास, CLASS, क्लास, क्लास मीन्स कक्षा, क्लास मीन्स कक्षा। WEVSTUDY स्टडी, INN, THE, डैश, ROOM, रूम। वी स्टडी इन द डैश रूम, क्लास, CLASS, क्लास, क्लास मीन्स कक्षा। नंबर सेकंड, वी कैन फाइंड मैनी बुक्स इन द डैश, WEVCAN, कैन, FIND, फाइंड, MANY, मैनी, BOOKS, बुक्स, INN, THE, डैश। वी कैन फाइंड मैनी बुक्स इन द डैश, कहाँ मिलती है हमें बहुत सारी किताबें, लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर एट के वर्ड मीनिंग, मेन शब्दार्थ, अब है सेकंड टिक ऑप्शन। अभी वर्ड मीनिंग कराए और टिक ऑप्शन, पहले टिक ऑप्शन को आप बुक में फिल करोगे, क्योंकि नंबर वन एंड नंबर टू, एंड देन राइट इन SS फेयर नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस।